Hello everyone, I am Hemant Jain, a student of Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. I am explaining my topic today, Definition and Types of Computer Crime. Definition: Cyber crime or computer oriented crime is crime that involves a computer and a network the computer may have been used in the commission of a crime, or it may be the target. Cyber crime can be committed at any time from anywhere. Cyber crime के लिए कोई ज़रूरी location की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भी किसी भी time किसी भी पर्सन के द्वारा कमिट किया जा सकता है। साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जो कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम हो, जो इन्वॉल्व करता है किसी कंप्यूटर का और किसी नेटवर्क का। कंप्यूटर एक यूज़ किया जाता है एज अ टूल और एज अ टारगेट, बोथ कंप्यूटर यूज़ किया जाता है क्राइम को कमिट करने के लिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम: इंटरनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्रोड्यूसिंग पोजेसिंग और डिस्टर्बिंग इमेजेस ऑफ माइनर्स, एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी। Child pornography has been exclusively dealt with under Section 67B of the IT Act 2008, depicting children engaged in sexually explicit act. Internet child pornography वो साइबर क्राइम होता है जिसमें माइनर्स को, मतलब वो बच्चे जिनकी एज अंडर 18 है, उनको इंगेज कर लिया जाता है किसी इलीगल तरीके से किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में बाय वीडियोज़ और फोटोज़, और उनको विजुलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और कंप्यूटर। दिस इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इसकी पनिशमेंट और इस क्राइम को सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट में डील किया जाता है। इलीगल गैम्बलिंग: कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब आपको उन गेम्स को खेलने से पहले या तो कोई अमाउंट ऑनलाइन पे करना पड़ेगा या अपने क्रेडिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से, उसके बाद ही आप उसमें फर्दर एसेस कर पाएंगे। और ऐसे गैम्बलर्स जो ऑनलाइन किसी सिस्टम को ऑलरेडी हैक कर चुके हैं और आप यदि वहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका आपका जो पेमेंट, आप जो भी आप पेमेंट वहाँ कर रहे हैं एज अ गेम, वो एक तरह का क्राइम है। दैट्स कॉल्ड इलीगल गैम्बलिंग। आइडेंटिफाई थेफ्ट: कुछ क्रिमिनल्स इंटरनेट का यूज़ करते हैं और ब्रेक करते हैं विक्टिम के ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स को पासवर्ड का यूज़ करके, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक कर देते हैं या फिर मनी के ट्रांजेक्शन्स अपने अकाउंट में कर लेते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम या फिर अपनी बर्थडेज, ऐसे अपने पेट नेम्स को एज अ पासवर्ड यूज़ करते हैं, वो टिपिकली ज़्यादा रिस्क रहता है आइडेंटिफाई थेफ्ट के केसेस में। स्टोरिंग इलीगल इन्फॉर्मेशन: क्रिमिनल्स कुछ पीडोफाइल्स ऑफन यूज द इंटरनेट टू ऑब्टेन एंड ट्रांसफर इलीगल इमेजेस सच एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अदर क्रिमिनल्स यूज देयर कंप्यूटर डाटाबेसेस टू स्टोर इलीगल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ क्रिमिनल्स कुछ ऐसी फाइल्स अपने कंप्यूटर और स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं जो इलीगल हैं, जैसे कि इलीगल इमेजेस हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और कुछ क्रिमिनल्स कंप्यूटर डाटाबेसेस जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इलीगल है, जो एक कॉमन मैन के पास नहीं होना चाहिए, वो अपने कंप्यूटर डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ स्टोरिंग इलीगल इन्फॉर्मेशन, अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इन द डिजिटल एज मैनी क्रिमिनल्स इजीली कमिट फ्रॉड अगेंस्ट अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स बाय मिसप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इंटेंशनली इनपुट्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन टू द कंपनी डाटाबेस और इंटरनेट। फ्रॉड्स जनरली क्या होता है, इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, समवॉट लाइक जॉब्स, मैरिज ब्यूरोज, तो वो एक्चुअली होते नहीं है, वो फेक सर्वर्स बनाए जाते हैं, फेक वेबसाइट्स डेवलप की जाती है जिनके थ्रू मनी आप जैसे उनको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इन रिटर्न आपको जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपने उनको पे किया है वो मिलने वाली नहीं है। मतलब उन फैक्ट्स को मिसप्रेजेंट करना, ये होता है फ्रॉड। नेक्स्ट इज कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर हैकर्स आर डिजिटल एज क्रिमिनल्स दैट कैन ब्रिंग डाउन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स विद अ सिंगल की स्ट्रोक एमिटिंग अ कंप्यूटर वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरसेस आर मैक्रो और बाइनरी। कंप्यूटर वायरसेस की बात करें तो दो टाइप के हैं, मैक्रो और बाइनरी वायरसेस। मैक्रो वायरसेस जनरली क्या होते हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को अटैक करते हैं, और जो बाइनरी वायरसेस होते हैं वो किसी डाटा और एक किसी प्रोग्राम फाइल को अटैच करके उसको अटैक करते हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस कंप्यूटर वायरस सुना गया है वो है ट्रोजन वायरस। नाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट बिकम कॉमन टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स बाय डाउनलोड्स फ्रॉम द इंटरनेट। हम क्या करते हैं, जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ पे किए नेट से, उसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लें। बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जब हम उसका फ्री वर्जन डाउनलोड करते हैं तो एक एंटीवायरस, सपोज आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने के बजाय वो एक वायरस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस का काम नहीं, एक वायरस का काम करेगा। आपने मतलब एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के चक्कर में एक वायरस डाउनलोड कर दिया है। तो ऐसे साइबर क्राइम से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी आपको बचना है। देन अटैचमेंट ऑफ ईमेल, नेवर ओपन एन एग्जीक्यूटेबल अटैचमेंट।
बहुत बार क्या होता है, हमें पिंग्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो उन पर लिखा रहता है कोई भी आप एक क्लिक करें और ये इनाम जीतिए, एक क्लिक करें और ये ऑफर पाइए। तो एक्चुअली वो होता क्या है, वो ऑफर मिलता नहीं है, दैट्स नॉट ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक होते नहीं है। जब भी हम उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो कोई भी एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ हमें बताया जाएगा कि आप बस ये पे करें और आपको ये मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो सब होता नहीं है। बी कॉशियस ऑफ एनी अटैचमेंट दैट हैज़ अ डबल फाइल एक्सटेंशन, स्पेशली वेन द राइट मोस्ट फाइल एक्सटेंशन इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट इज अटैक्स। डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स होते हैं जो साइबर क्राइम में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज मालवेयर अटैक। अ मालवेयर अटैक इज अ पीस ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर विच टेक्स ओवर अ पर्सनस कंप्यूटर इन ऑर्डर टू स्प्रेड द बग ऑन टू द पीपल्स डिवाइस एंड प्रोफाइल्स। मालवेयर अटैक एक पीस ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्टवेयर या फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, जो किसी पर्सन के कंप्यूटर के ऊपर जाकर और उसमें स्प्रेड होगा एज अ बग की तरह, और पीपल की डिवाइस और प्रोफाइल को पूरा डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट इज स्निफर अटैक। स्निफर अटैक मतलब होता है पैकेट स्निफिंग। ये एक्ट ऑफ कैप्चरिंग पैकेट्स ऑफ डाटा फ्लोइंग अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क। द सॉफ्टवेयर ऑफ डिवाइस यूज टू डू दिस एज अ कॉल्ड पैकेट स्निफर। जो स्निफिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसका नाम है पैकेट स्निफिंग। इसमें क्या होता है, पैकेट्स कैप्चर किए जाते हैं डाटा फ्लोइंग के एक कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस। नेक्स्ट इज डॉस। डॉस अटैक इज अ डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये वो साइबर अटैक होता है जिसमें परपेट्रेटर सीक करता है एक मशीन और नेटवर्क रिसोर्स को जो अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स बाय टेम्परेली और इंडेफिनेटली डिसरप्टिंग सर्विसेज ऑफ अ होस्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। नेक्स्ट इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग इज अनवांटेड और रिपीटेड सर्विलेंस बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप टूवर्ड्स अनदर पर्सन। ये वो क्राइम है जो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप को स्टॉक करते हैं, यानी कि उस पर निगाह रखते हैं। स्टॉकिंग बिहेवियर्स आर इंटरलेटेड टू हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन एंड मे इंक्लूड फॉलोइंग द विक्टिम इन पर्सन और मॉनिटरिंग दैम, या तो उन्हें मॉनिटर करना, उनकी एक्टिविटीज़ पर नोटिस रखना, ध्यान देना और उनको हरास करना, इंटिमिडेट करना, ये स्टॉकिंग इंक्लूड करता है। पनिशमेंट इज अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT Act 2008, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 2 years विद फाइन। नेक्स्ट इज हैकिंग। हैकिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर। हैकिंग ऐसी चीज़ है जिससे भी आप किसी कंप्यूटर और नेटवर्क को हैक कर सकते हैं और उसके अंदर का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। वो एक हैकिंग इज जनरली अनऑथोराइज एसेस टू और कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। टाइप्स ऑफ हैकिंग, देर आर 5 टाइप्स ऑफ और मैनी टाइप्स ऑफ हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग इन विच वेबसाइट इज बिंग हैक्ड, एंड ईमेल हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, इथिकल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग। पासवर्ड हैकिंग मीन्स जनरली वी हैव सीन ऑन मैनी वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पासवर्ड पीपल हैक पासवर्ड्स टू सीक पर्सनल इंफॉर्मेशन। एंड वॉट इज इथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग इज फॉर द गुड पर्पस, इट इज़ फॉर द गुड पर्पस नॉट टू हार्म समवन। एथिकल हैकिंग इज फॉर अ गुड पर्पस। नेक्स्ट इज क्रैकिंग। गेटिंग अनऑथोराइज एसेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स टू कमिट अ क्राइम। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, किसी कोड को डिक करने के लिए क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के अनऑथोराइज एसेस को कंप्यूटर के अंदर क्रैकिंग कहलाता है। स्पूफिंग। स्पूफिंग इज अ मेलिशियस प्रैक्टिस एम्प्लॉयड बाय साइबर स्कैमर्स एंड हैकर्स टू डिवाइड सिस्टम्स, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनटू परसीविंग समथिंग टू बी व्हाट इट इज नॉट। मतलब स्पूफिंग ये वो होता है जो एक्चुअली आपको दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक वेबसाइट है www.yahoo.com, तो वहाँ याहू की स्पेलिंग है YAH OO, लेकिन आपको जो फेक वेबसाइट है वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ लिखा रहेगा YAH OO और लास्ट में एक और ओ रहेगा, मतलब ट्रिपल ओ रहेगा, और आप उस पर क्लिक करके आप अंदर एंटर भी हो जाएंगे, और आपको जो पेज है याहू का, जो फेक वेबसाइट जिसमें आप एंटर हुए हैं, वो आपको एज इट इज अपियर होगा, जो एक्चुअली एक्चुअली जैसा ओरिजिनल आईडी का है, बट एक्चुअली वो ओरिजिनल नहीं है। तो इस तरह से ये स्पूफिंग साइबर क्राइम कमिट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज फिशिंग। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऑफन यूज टू स्टील यूजर डाटा इंक्लूडिंग लॉग इन क्रीडेंशियल्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। इट अकर्स वेन एन अटैकर मैस्क्रेडिंग एज अ ट्रस्टेड एंटिटी ड्यूप्स अ विक्टिम इनटू ओपनिंग एन ईमेल, इंस्टेंट मैसेज और टेक्स्ट मैसेज। फिशिंग वो टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जिसमें जो हैकर और जो पर्सन है कमिट करने वाला क्राइम, वो एक पहले तो यूज़र का डाटा स्टील करता है, चुराता है, जैसे कि लॉग इन क्रेडेंशियल्स, उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड, उसके क्रेडिट कार्ड नंबर और उसकी अदर डिटेल्स। फिर इसमें क्या होता है, ये जब अगर होता है कोई भी जब अटैकर किसी ट्रस्टेड एंटिटी को अटैक करता है, मास्कुरेट करता है, ड्यूप्स
ड्यूप्स आर विक्टिम इनटू ओपनिंग एन ईमेल. वो कोई ईमेल सेंड करेगा या फिर कोई इंस्टेंट पॉपअप या मैसेज सेंड करेगा और टेक्स्ट मैसेज सेंड करेगा. देन द विक्टिम इज टेंड टू ओपन दैट मैसेज और दैट ईमेल और इस तरह से वो उसके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा और उसकी रेस्ट ऑफ द जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल डाटा है उसको वो लीक करेगा. दैट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर क्राइम एंड इट्स टाइप्स. Thank you.